सभी का आशीर्वाद मुझे मिलता है। तो मैं चाहता हूँ कि समालखा एक पूरे जो हरियाणा में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में एक जो है एग्जाम्पल के रूप में जो उभर कर रहा है। चाहिए, कह रहे हैं कि भाई बढ़ाना साहब जो है पैसों में टिकट ले गए हैं, पैसा जीत गया और मेहनत हार गई। भाई ये जो है नायब सैनी जी क्या पैसे के दम पर बने हो? नहीं नहीं जी। खट्टर साहब जब बने थे क्या पैसे के दम पे बने थे? आपके माननीय जो यहाँ से सांसद जी हैं खट्टर साहब, क्या पैसे लेकर टिकट ले? धर्म सिंह छोकर ने चुपके से जो है नामांकन दर्ज कर दिया है, वो दो में चांचक से पहुँच गया। अच्छा, तो इसको लेकर के क्या सोचते हैं इतनी जल्दी नामांकन करना, और आप नामांकन कब करने जा रहे हो, और धर्म सिंह छोकर के बारे में आपके क्या विचार, क्योंकि टक्कर में वही है। देखिए आप बार बार मेरे से जो है ना कुछ कहलवाना चाह रहे हो, है वोटों से तो जवाब देंगे ही देंगे, लेकिन 12 तारीख को जो हजूम यहाँ पे निकलेगा ना उसका जवाब उनको मिल जाएगा गाली देने का। मुझे नहीं लगता दोबारा जिंदगी में मैं एक बात और जानना चाहता हूँ कि आप अगर विधायक बनते हैं यहाँ से तो पहला आपकी कलम का कार्य क्या होगा? दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं एनडी हरियाणा पर। फिलहाल समालखा विधानसभा की एक ऐसी हस्ती से आपको परिचय करवाऊंगा जिस पर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने विश्वास जताया है, और उनसे मैं बातचीत करूंगा आज, क्योंकि टिकट मिलने के बाद पहली बार ऐसी मुलाकात होगी कि मन्नू के मन की बात जानने की कोशिश करूँगा आखिरकार किस तरीके की तैयारी है। आज कांग्रेस के विधायक धर्म सिंह छोकर ने भी टिकट नामांकन दर्ज कर दिया है, और हमारे साथ मनमोहन भाई साहब हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा मैं आखिरकार क्या समझते हैं। मन्नू भाई स्वागत है आपका, बहुत रुक जाओ जी एक बार, आप खड़े हो जाओ, वैसे तो जी। थोड़ा टाइम लूंगा मैं क्योंकि समझने की कोशिश करूंगा। पहले तो आपको टिकट मिला है, भारतीय जनता पार्टी ने आप पे विश्वास जताया, उसके लिए आपको बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मन्नू जी मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, मैं सोच रहा था कि भाई मन्नू से मन की बात करी जाए, थोड़ा सा टाइम लिया जाए वैसे जल्दबाजी में। मन्नू जी एक तरफ कांग्रेस से विधायक है धर्म सिंह छोकर, एक तरफ आप हैं, जन मैं पब्लिक के बीच में पहुंचता हूं कि भाई टक्कर दो के बीच में रहने वाली है बीजेपी और कांग्रेस के बीच, चलो ये तो बात अलग होगी। तो मनमोहन बढ़ाना अब की बार किस तरीके की तैयारी है और क्या सोच रहे हैं? मन्नू के मन की बात आखिरकार जानने के लिए आया हूं कि मन्नू ने समालखा के लिए क्या सोच रखा है, क्या कुछ, काफ़ी लोगों के बीच में जाता हूँ कि पढ़े लिखे युवा हैं और ऐसे आप कैंडिडेट हैं शायद जो देश विदेश में आप पढ़ाई करके आए हैं, तो मन्नू की बात जानना चाहता हूँ मैं। मन्नू जी आप किस तरीके से देखते हैं समालखा की जनता के लिए? नहीं दोनों बातें हैं, एक तो ये है कि भाई किससे मुकाबला है क्या है, ये तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पूरे क्षेत्र में मेरे पिताजी भी दो बार यहाँ से विधायक रहे और माननीय जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं धर्म सिंह जी वो भी दो बार यहाँ से रह लिए, तो ये तो क्षेत्र की जनता ऑलरेडी इस चीज़ का जो है वो उनको अनुभव हो चुका है कि कौन से प्रत्याशी के दौरान किस तरह के कार्य हुए थे। जो मेरे परिवार और मेरे पिताजी ने हमने यहाँ पे जो समय बिताया उसमें सभी जानते हैं कि पूरी छत्तीसगढ़ बिरादरी का जो सम्मान किया, सभी का सत्कार किया, सभी का आदर किया, तो वैसे ही मेरी योजना है कि सभी को सम्मान दूँ, सभी छत्तीसगढ़ बिरादरी में जो है अपना जो है जो मुझे प्यार और सम्मान मिल रहा है उनके लिए जो कुछ कर पाऊँ, और यही चाहूँगा कि भाई यहाँ पे अगर सभी का आशीर्वाद मुझे मिलता है तो मैं चाहता हूँ कि समालखा एक पूरे जो हरियाणा में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में एक जो है एग्जाम्पल के रूप में जो उभर कर रहा है, जो ऐसी सिटी बने जो आज तक यहाँ पर जो काम नहीं हुए हैं उन पर इस तरह से काम कर दिया जाए तो एक रोल मॉडल के तौर पर समालखा सिटी पूरे हिंदुस्तान में उभर कर, जिसमें बहुत सारी चीज़ें करने के लिए ज़रूरत है, जो पानी की निकासी है, पीने का पानी जो बहुत दूषित हो रखा है यहाँ पर जो है जो आवारा पशुओं की एक बहुत बड़ी समस्या है, गांव में जाएंगे तो वहाँ जो पानी भराव हो जाता है, कहीं झोड़ है कहीं नहीं है, जो कूड़ा निपटारण की समस्या है, सभी मेरे साथी यहाँ पर सब जानते हैं इन सब समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि इन सब पे काम करना पड़ेगा, और स्कूलों की व्यवस्था है, अस्पताल है, चिकित्सा जो सेवाओं में यहाँ पर अभाव रहा है उन सब पे काम किया जाएगा। मनोज जी चुनाव से पहले सभी नेता इस तरीके से दावे करते हैं कि हम ये काम करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, काफ़ी चर्चाएं सुनते हैं, उसके बाद चुनाव के बाद कुछ ऐसा ना देखने को नहीं मिलता। और रही बात काम की, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई जब चुनाव होते हैं ना तो कार्यकर्ता हो के ही काम होते हैं, कुछ लोगों के एग्जाम्पल भी है, कुछ लोग समझ भी जाएंगे इस चीज़ को, ऐसा होगा कि भाई कार्यकर्ताओं के ही काम होंगे, सिर्फ ये आम जनता ऐसे ही फिर भटकती रहेगी या आम जनता ऐसे ही रोती रहेगी? नहीं, मैं आप लोगों के माध्यम से ये बात बड़े स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जितने भी साथी मेरे साथ लगे हुए हैं,
ये सिर्फ और सिर्फ क्षेत्र के विकास के लिए लगे हुए हैं। इनका मान सम्मान रहे, इनके जायज़ काम जो हो उनमें पूरा मेरा सहयोग रहे, कोई दूसरे प्रत्याशियों की तरह नहीं कि भाई एक गांव में चार आदमी पकड़ लिए, ये गलत करें सही करें उन्हीं का साथ देते हैं। जो राजनीति यहाँ पे अब तक चलती आ रही है, मेरा ये मानना है मेरे साथी ईमानदारी से एक एक भाई यहाँ पर मनमोहन बढ़ाना बनकर विधायक बनकर जनता में जो है सेवा करेगा और जो है क्षेत्र का विकास में मेरा सहयोग करेगा। मनमोहन जी, एक बड़ी समस्या है, हर जगह मिलेगी, युवाओं के रोजगार की बात नहीं करेगा कोई अब के चुनाव के टाइम में, कड़ी भी होगी मेरी सच्चाई, लेकिन रोजगार के लिए आप क्या काम करोगे? क्योंकि इससे पहले एक विधायक ने काफी दावे करे थे कि भाई हम यहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनी लेके आएंगे, वो करेंगे, फिलहाल उनके वे कह रहे कि हमारी सरकार नहीं थी इसलिए हम कर नहीं पाए, लेकिन आपकी क्या सोच रहेगी, क्या सोचते हैं? मेरे को पता है जो राजनीति में कई लोग ऐसे आते हैं जो वादे तो बहुत बड़े बड़े करते हैं लेकिन वो खुद जो है बाद मतलब मल्टीनेशनल कहकर अपने लिए एक मल्टीनेशनल अपनी खड़ी कर लेते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई जनता को एक बार तो भरोसा जो है जताना पड़ेगा। मेरे पिताजी पर भी किया था, उनकी कार्यशैली भी देखी थी, और मेरा जो सोच है, मेरा जो लक्ष्य है, मेरा ये लक्ष्य है कि खाली यहीं तक सीमित नहीं रहना, अपने लिए कुछ करना नहीं है मुझे, और मैं जब अच्छे काम करूँगा यहाँ पर कुछ करके दिखाऊँगा तो ही तो मैं आगे बढ़ पाऊँगा। मनोज जी, एक मैं पहले जितने भी दावेदार थे भाई टिकट हमको मिलेगी, जैसे मैं नाम लूँ संजय छोकर, कांग्रेस में कुछ बहुत सारा टाइम बिताने के बाद बीजेपी में आए, इधर शशिकांत कौशिक, किरसन छोकर, इनका मैं जब इंटरव्यू करता था ना टिकट मिलने से पहले, ये कहते थे कि भी जिसको भी बीजेपी सरकार, बीजेपी पार्टी जिस पर भी विश्वास जताएगी हम उसके साथ लगेंगे। लेकिन इसके बाद ऐसी बात हुई कि कहीं ना कहीं गाली गलौज, इधर भागना, पार्टी छोड़ना या फिर आपके साथ में नहीं आना, इसको लेकर के क्या कहोगे? अपने सेवार्थ के लिए पार्टी बना में आया जाता है या फिर क्या होता है? नहीं, मैं देखो सभी मेरे साथी हैं, सभी पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन हाँ ये बात ज़रूरी है कि भाई हम सब पार्टी के सिपाही थे और सभी मेहनत कर रहे थे क्षेत्र में जो है टिकट की दावेदारी के लिए लो, और जब पार्टी ने अगर एक पर विश्वास जताया है, मेरा तो पहले भी मानना था, मैंने सबसे कहा, सबसे जब मेरी बात हुई मैंने कहा कि भाई अगर आपको टिकट मिलती है तो मैं आपका साथ दूंगा, ये हो ही नहीं, बिल्कुल मैंने कहा था, और मैं अगर ये ऐसा नहीं होता तो आप देखते जो मैंने वायदे किए, जो मैंने बात कही है, मैं उन पर हमेशा खरा उतरा हूं, और यही मैं जो है आपसे आगे भी कहना चाहूँगा कि जो जो वादे कर रहा हूं मैं, कोई सपने नहीं दिखा रहा हूं मैं जो बात कर रहा हूँ हकीकत में जो कर सकता हूँ वो बात कहता हूँ, और वही मेरे को जो ऊपर वाला आशीर्वाद दे कि मैं उस लायक बनूँ कि उनको पूरा कर सकूँ। बढ़ाना साहब, एक चर्चा और चल रही है, वैसे कड़वी है, कुछ लोग अफवाहें चलाते हैं, अफवाहें हैं या सच्चाई है, कह रहे हैं कि भाई बढ़ाना साहब जो है पैसों में टिकट ले गए हैं, पैसा जीत गया और मेहनत हार गई। भाई ये तो जो है ना अफवाहें हैं और इस तरह की बातें, जो विरोधी जिनके पास कुछ कहने सुनने के लिए नहीं वो सब करते होंगे, लेकिन आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी किस तरह से कार्य करती है, पैसे वाले बहुत हैं, पैसों से टिकट मिलती तो शायद मुझे लगता है जितने बिजनेसमैन बड़े हाउसेज हैं वही यहाँ पे विधायक एमपी और वो रहते। एक सामान्य परिवार से मुख्यमंत्री जो बनाए हैं माननीय जो है नायब सैनी जी, क्या पैसे के दम पर बने हैं? नहीं जी। खट्टर साहब जब बने थे क्या पैसे के दम पे बने थे? आपके माननीय जो यहाँ से सांसद जी हैं खट्टर साहब, क्या पैसे लेकर टिकट लेकर पैसे में टिकट लाए थे? ये सब कहने की बातें होती है। ठीक है, हमारा परिवार जो है अपनी मेहनत से वहाँ तक पहुँचा हुआ है कि भाई कोई इस तरह की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पैसों में कभी टिकट नहीं मिलती। ये जनता का प्यार है, मेरे भाइयों का सहयोग है, ये इसी की वजह से टिकट मिली है और यही कारण हमारी जीत का रहने वाला है। मनु जी, मैं देख रहा हूँ कि भाई आप जैसे कैंडिडेट है शशिकांत कौशिक से आप बात हुई आपकी या फिर किरसन छोकर, मैंने इंटरव्यू किया था किरसन छोकर जी का जी। वो कह रहे थे कि मैं मनमोहन जी के साथ में हूँ, मैंने उनसे सवाल किया कि आप गुलदस्ता देने कब जा रहे हैं बधाई देने के लिए, आपके पास आए हैं नहीं आए? नहीं, मैं उनके पास जाऊंगा, मेरी बात भी हुई है सबसे जो है, मैं लगातार संपर्क में हूं और वो अपना थोड़ा सा देखिए समय तो हर कोई व्यक्ति लेता है, हर किसी को सम्मान चाहिए हर किसी को, और हो सकता है उनके लिए मैं अभी एक छोटा व्यक्ति हूं जो उन्हें मनाने में नाकामयाब हूं, तो हो सकता है बड़े लीडर हमारे पार्टी के उनसे जाएंगे और मनाएंगे सम्मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मनोज जी, आज धर्म सिंह छोकर ने चुपके से जो है नामांकन दर्ज कर दिया है, वो दो में चाणचक से पहुँच गया, तो इसको लेकर के क्या सोचते हैं इतनी जल्दी नामांकन करना, और आप नामांकन कब करने जा रहे हो, और धर्म सिंह छोकर के बारे में आपके क्या विचार है, क्योंकि टक्कर में वही है?
देखिए आप बार बार मेरे से जो है ना कुछ कहलवाना चाह रहे हो, लेकिन भाई मेरी वो राजनीति नहीं है। देखो वो मतलब खुल के बोल देते आप मतलब सबके बारे में। देख सुनो एक बात हो रहा है, मैंने देखा ना हमारा नेता बुरा ही नहीं करेगा किसी की। आप जब इनकी खासियत देखो, आप आपने देखी होगी कई वीडियो थी ऐसी जिसमें एक मिनट वो अलग बात है। देखो बहुत सारी चीजें है ना उसमें कही गई आपके साथ, मतलब गाड़ी गलौच भी आई, वो धोखे से निकल गया कैसे निकल गया उसमें मैं बात बन जाता, लेकिन फिर भी आप ये कहते हो कि भाई आप मतलब बिल्कुल शांत स्वभाव से भी कोई बात नहीं, चलो हमारे भाई हैं अभी, ये इतना बड़ा दिल कैसे है? वैसे तो कोई फटाक से जवाब देता भाई। देखिए सोच बड़ी है, दिल भी भगवान ने बढ़ा दिया है, और बात उसकी नहीं है, उसको जवाब मेरे भाई मेरे साथी जो खड़े हैं ना 12 तारीख को जवाब मिल जाएगा जिन लोगों ने। क्या है वोटों से तो जवाब देंगे ही देंगे, लेकिन 12 तारीख को जो हजूम यहाँ पे निकलेगा ना उसका जवाब उनको मिल जाएगा गाली देने का। मुझे नहीं लगता दोबारा जिंदगी में राजनीति में दोबारा जितनी जिंदगी जितनी भी राजनीति करेंगे कोई प्रत्याशी गाली देगा, समाल खा के अंदर तो नहीं देगा, ये आपसे बात। पैसों की माला भी आपके पिताजी ने जो पैसों की माला डाले कर देने था कि उस वो भी आपके पिताजी ने जो है उसको छटवाया था कि भाई फूलों की माला यूज करी जाएगी। तो मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, देखो इतने सारे दिखाइए पर कैमरा करके, इतने सारे आपके समर्थक चाहने वाले या फिर कार्यकर्ता सुनो मेरी बात, पूरी बात उड़ने लग रो, तो यहाँ पे आए हैं आप, मिलते हो जैसे इनसे, क्या बात है, पहली बार मिलते हो, आप याद भी रखते हो या फिर भूल जाते हो उनको? भाई देखिए कोशिश ये रहती है कि मैं सभी भाइयों के नाम याद रखूं और सबको, और मेरे को अभी जितना भी समय हुआ है सभी मेरे भाई जानते हैं, सही है, हर किसी का मैं इनसे वायदा भी कर रहा हूं कि आपको अगर मेरे यहां पर विधायक बनने के बाद एक एक व्यक्ति को नाम से ना पुकारूं, गांव से ना पुकारूं, तो मुझे दोबारा आपके बीच आने का अधिकार ही नहीं है। मनमोहन जी मैं एक बात और जानना चाहता हूँ कि आप अगर विधायक बनते हैं यहाँ से तो पहला आपकी कलम का कार्य क्या होगा? पहला मेरी कलम का कार्य तो सबसे पहले मैं सभी का बहुत बहुत अपने दिल से जो धन्यवाद दूंगा, 36 बिरादरी का मान सम्मान करूंगा और यही कहूंगा कि भाई तुम लोगों ने आप लोगों ने मुझे जो है ना कर्जदार बना दिया अपना, और मैं जिंदगी भर उस कर्ज को उतारने में लगाऊंगा रात दिन मेहनत करके, जिस तरह से आज मैं लगा हुआ हूँ ना चुनाव में, मुझे समझ में नहीं आता भाई। देखो आप लोग भी मुझे समझाइए, चुनाव के दौरान कहते हैं भाई सोना नहीं है, 2 घंटे सोना है, रात दिन एक करना है, भाई किस लिए? चुनाव के बाद नहीं करोगे क्या ये? चुनाव के बाद भी तो मेहनत करनी है आपने, ठीक है ना? तो मेरा तो ये सोचना है, ये मानना है कि मेरे भाई और मेरे साथी मेरी नीयत को समझते हैं, मेरी सोच को समझते हैं। मैं अपने तरीके से काम अभी भी कर रहा हूँ और चुनाव जीतने के बाद भी जितनी मेहनत मैं आज कर रहा हूँ मैं वैसे ही करना चाहता हूँ। मैं बदलना नहीं चाहता कि भी चुनाव से पहले आप 4 घंटे सो रहे हो उसके बाद 24 घंटे ही नहीं मिल रहे हो आप, ये मनमोहन ही रहेंगे ना ऐसे जैसे। बिल्कुल बिल्कुल मेरा स्वभाव ऐसा ही है, बिल्कुल मेरा स्वभाव ऐसा है। मेरे भाई मेरे साथी सब कुछ दिनों में जान भी गए हैं, कुछ जान भी जाएंगे कि जो मैंने बात कही है बिल्कुल दिल से कही है, कोई मैं पढ़ा लिख के नहीं आता क्या बोलना है क्या, भाई जो मेरे मन में है, जो मेरी नीयत है, जो मेरी सोच है। और मुझे लगता है सबसे बड़ी इंसान की दौलत है ना उसकी सोच है, पैसा कोई मायने नहीं रखता, नाम कोई मायने नहीं रखता, उसकी सोच अगर कहाँ तक जाती है, किस हिसाब से वो अपने कार्य करता है, वो बहुत मायने रखते हैं, और ऊपर वाले का आशीर्वाद। मनमोहन जी नामांकन कब दर्ज कर रहे हो और क्या संदेश देना चाहते हो समल काल के जंग? 12 तारीख को 11 बजे जो है ना सुबह नामांकन दर्ज करेंगे, कोई चोरी छुपे नहीं है, मेरे हजारों साथी मेरे भाई मेरे बुजुर्ग मेरे साथ नामांकन भरेंगे और सभी उसमें जो है अपना सहयोग करेंगे। बिल्कुल, तो हमारे साथ मनमोहन जी थे और 12 तारीख को जो है नामांकन की इन्होंने तारीख घोषित कर दी है और पूरे जोश के साथ में जो है नामांकन दर्ज किया जाएगा। फिलहाल के लिए ये आपको जरूरी बताना था कि भी आखिरकार माहौल क्या चल रहा है। फिलहाल के लिए नमस्कार।